हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम एंड डॉटर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे आसान केक, जिसे कोई भी बना सकता है। इसके लिए ना तो हमें मैदे की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग सोडे का काम है, और ना ही हम इस केक को बेक करेंगे। तो हम इसे बनाएंगे फटाफट से 10 मिनट में। तो इसे हम कैसे बनाते हैं 10 मिनट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो कस्टर्ड मलाई केक की रेसिपी। तो इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, और उसमें डालेंगे हम 1 कप पानी, और इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर। तो इसके लिए पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। जी हाँ, इस केक के लिए हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है। जैसे ही ये पानी उबल जाएगा, वैसे ही हम 1 इलायची को तोड़कर डाल देंगे। साथ ही में कुछ स्ट्रेन डाल देंगे हम केसर के। तो इसे हमें ना तो 1 तार की चाशनी बनानी है, ना ही 2 तार की चाशनी बनानी है। इसे बस हमें हल्का चिपचिपा बनाना है। तो ये अच्छे से उबल जाएगी। तो ये देखिए, इसमें कितना बढ़िया सा कलर भी आ गया है केसर का। तो इसे मैंने अब गैस से उतार दिया है, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, और उस पैन में हम डाल देंगे 2.5 कप दूध, मीन्स 500 ग्राम दूध लिया है। यहाँ एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध और लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और ये दूध मैंने ठंडा लिया है। ध्यान रहे, कभी भी गर्म दूध में हमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो उसमें लम्स आ जाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल लम्स फ्री दूध तैयार हो गया है। और यहाँ जो हमने पैन में दूध रखा था, वो उसमें भी बॉईल आ चुका है। तो बॉईल आने के बाद में मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून शक्कर। तो इसे अभी हमें अच्छे से पका लेना है। तो इसे चलाते रहना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। शक्कर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो कस्टर्ड वाला हमने जो मिल्क तैयार किया था वो ऐड करना है। तो इसे हम डालने के पहले अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो अब हम एक हाथ से इस कस्टर्ड वाले मिल्क को डालेंगे, और दूसरी हाथ से इसे कंटिन्यू हमें चलाना है। और ध्यान रहे, हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध में मिक्स करना है। तो ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया है, और इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते जाना है। ये देखिए, यहाँ फ्लेम मीडियम टू हाई है। तो दूध को हमें पकाकर गाढ़ा करना है, और ये जो आसपास मलाई इसकी लग जाती है उसे भी हमें इसमें मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, दूध पक पक के अब ये गाढ़ा हो रहा है, पहले से थिक हो गया है ये। और ये मलाई केक है, तो मलाई डालना तो फिर बहुत ज़रूरी है। तो ये घर की ही जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है वो ली है, और वो है 3 टेबल स्पून। तो इसे भी हमें इसके साथ में अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अभी इसे हमें और पकाना है जब तक कि ये अच्छा थिक नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, अभी थिक हो रहा है ये, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना पड़ेगा। और ये देखिए, 5-7 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ये और भी थिक हो गया है। तो ये देखिए, साइड में जो मलाई जमती जाएगी उसे भी हमें इसमें मिक्स करते जाना है। और यहाँ देखिए, ये अब काफ़ी थिक हो चुका है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, स्पैचुला पे कोटिंग आ रही है। तो हमें इसे इतना ही पकाना है। ये अब काफ़ी थिक हो चुका है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने लिया है एक पका हुआ आम, जिसे मैंने छील लिया है, अच्छे से वॉश करके छोटे पीसेस में कट करके उसे ग्राइंड कर लिया है बिना पानी डाले। तो ये हमारा मैंगो पल्प रेडी है। और यहाँ ये जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है, इसे भी हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसे चलाते हुए इस तरह से ठंडा कर लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए।
तो जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तब हम इसमें मैंगो का पल्प मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर मैंगो का पल्प इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो इन दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप चाहें तो इसे एक दिन पहले बना के रख लें, अगर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उसके लिए पहले से बना के रख सकते हैं। और इस रेसिपी का मेन हीरो है ये रस्क, तो हम केक इससे ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने रस्क ले लिया है और ये जो चाशनी है उसमें हम इस रस्क को डिप करेंगे। ध्यान रहे, हमें इसे बहुत देर तक डिप नहीं करना है। चाशनी हल्की कुनकुनी होनी चाहिए और डिप करने के बाद हमें इसे किसी कंटेनर में, जिसमें भी आपको सेट करना है, केक टिन हो या कोई थाली हो, उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो रस्क को हम डिप करके इसमें सेट करते जाएंगे, ठीक ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ मैंने इसे पूरा ही अरेंज कर लिया है। जहाँ भी खाली स्पेस दिखे आप उसके छोटे पीसेस कट करके अरेंज कर लें इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये जो मैंगो कस्टर्ड का मिल्क तैयार किया था उसे डाल देंगे। तो सभी तरह हमें इसे अच्छे से फैला देना है, पूरी तरह से इसको फिल कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे तरह से फैला दिया है, पूरी इवन लेयर हो गई है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम की कतरन, थोड़ी सी बादाम की कतरन हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर किशमिश डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें थोड़े से पिस्ता की कतरन भी स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसे डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर ठीक वैसे ही अरेंज करेंगे। रस्क को शुगर सिरप में डिप करेंगे और हम इसे सेट करते जाएंगे इस तरह से, जैसे हमने अभी पहले की थी। तो ये देखिए, सेकंड लेयर भी हमने अरेंज कर ली है। और अब इसके ऊपर भी हम दूध का जो मिक्स बनाया था हमने, कस्टर्ड मैंगो वाला, वो फैला देंगे अच्छी तरह से। इसमें भी जो गैप है उसमें आप रस्क के छोटे पीसेस डालकर उसे पहले फिल कर लें। और ये देखिए, मैंगो कस्टर्ड का जो मिक्स था वो अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दे रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड कर दें ताकि एक इसके ऊपर इवन लेयर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब उसके ऊपर बादाम की कतरन डाल देंगे। ये डालने से इसका टेस्ट और इसका लुक दोनों ही बढ़ जाता है। और अब इसके ऊपर किशमिश डाल दे रही हूँ मैं थोड़ी सी, और साथ ही थोड़े से पिस्ता की कतरन भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो ये 2 घंटे के बाद अब मैं इसे फ्रिज से निकाल रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। लग रहा है ना कितना टेम्प्टिंग, इसकी लुक ही इतनी बढ़िया आ रही है कि देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। और जब आप इसे खाएंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे और हमेशा इसे बनाएंगे। कोई भी गेस्ट आए आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है और इसका पीस भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो ये लीजिए, तैयार है ना आप इसे टेस्ट करने के लिए। है ना कितना बढ़िया से सेट हो गया है, लेयर भी इसकी क्लियर दिखाई दे रही है और ये एकदम सॉफ्ट बना है। तो है ना ये सबसे आसान केक, किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो मैदा, ना बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा, और हमें बेक भी नहीं करना पड़ा। तो इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।